हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोग का RLY एंड नाइट क्लासेस में मैं विवेक यादव स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का मैथ, जो कि हमारा अभ्यूत दोस्तों इसमें प्रश्नावली 3.4 है। दोस्तों रूपांतरण भी द्वारा आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। दोस्तों इससे पिछली वीडियो हमने बताया था क्वेश्चन दोस्तों 1 से 14 तक बताया गया है। आज का दोस्तों हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 15। शुरू करेंगे दोस्तों। पहला दोस्तों आपको आप भी मान लेते हैं ए बराबर इतना दिया है, तो दोस्तों आप जानते होंगे, लिखेंगे हम जानते हैं ए बराबर आई ए। दोस्तों ए की वैल्यू हमने जो यहाँ पे दिया है राइट कर लेंगे, फिर आई की वैल्यू इकाइया भी हो गया। अब ए आपको यहाँ पर जो दोस्तों आप व्यू दिया गया है इसका सभी एलिमेंट आपको जैसे बनाना होगा। तो आप दोस्तों आप सोचिए हम क्या करें इसमें। देखिए हम सोचते हैं दोस्तों, चलिए कुछ चेंज करते हैं अपने आप से। आप चेंज करके बताइए कुछ। देखिए यहाँ पर हम क्या चेंज करते हैं, जो आप लोग कहिए वही कर सकते हैं या कुछ भी करवा लीजिएगा, दोनों तरीका आपका सही होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम चेंज करते हैं R2 चेंज टू R2 माइनस R1, ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर होगा। तथा दो पॉइंट दोस्तों हम साथ में चेंज करते हैं R2 चेंज टू R2 माइनस R1 तथा R3 चेंज टू। दोस्तों देखिए दोनों को कहिए आप घटा देते हैं, चलिए या तो घटा लीजिए या तो कहिए हम जोड़ दें, जो भी आपको ऊपर डिपेंड करता जोड़ दीजिए। चलिए R3 देखिए इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें। चलिए दोस्तों कर देते हैं, आपका आसान हो जाएगा, थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा आसानी से। दोस्तों देखिए इसी को हम चेंज करते हैं R3 चेंज टू R3 प्लस R1। दोस्तों आपको क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए अब दोस्तों हम चेंज करते हैं, देखिए क्या करते हैं। R1 आपको कुछ नहीं करना है, जैसे है राइट उसी तरीके से आप राइट कर देंगे, 2 माइनस 3 और 3। अब R1 आपको चेंज करना होगा दोस्तों, R2 चेंज करना है, इसमें से इसको घटा देंगे, 2 में से 2 घटा देंगे 0, फिर 2 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 5, 3 दोस्तों यहाँ पे इसको घटा देंगे तो 0। R3 को चेंज करना है, R1 जोड़ना है, दोनों जोड़ देंगे, 3 2 कितना है दोस्तों यहाँ पर 5, इसको जोड़ देंगे दोस्तों इसमें से। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर ये R2 जोड़ दीजिए आप, ठीक है, तो यहाँ पर इसको जोड़िए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा बाबू, यहाँ पर R2 जोड़ दीजिए। देखिए जब R2 जोड़ेंगे तो देखिए 3 2 5 इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 0, फिर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5, ठीक है, तो आपको इतना क्लियर होगा दोस्तों उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए आगे आ जाते हैं, देखिए 1 1 0 0 राइट हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, R2 में से R1 घटाए, इसमें से इसको घटा देंगे तो -1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, यहाँ दोस्तों आपकी दोनों जोड़ना होगा R2 R3, तो 0 हो जाएगा, फिर दोनों जोड़ देंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1। दोस्तों बगल में A है तो A राइट करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला स्टेप आता है, अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान देने वाली बात है, या आप यहाँ से दोनों में 5 से हम क्या करते हैं दोस्तों डिवाइड कर दीजिए, या फिर कहिए दोनों को हम जोड़ देते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों हम जोड़ देते हैं या फिर कहिए आप डिवाइड कर देते हैं, आसान हो जाए दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, डिवाइड करने के बाद जो बनेगा आप देखिए आगे स्टेप हम बढ़ाते हैं। देखिए बारी बारी एक एक स्टेप दोस्तों हम चलेंगे क्रम से। देखिए यहाँ से दोस्तों देखिए भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से हम चेंज कर देते हैं दोस्तों इसको, देखिए क्या बन के आ जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ से, या फिर कहिए 2 3 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे भी 5 हो जाएगा, तो फिर हम 5 से कहिए भाग दे दें यहाँ पर 5 5 5 5, हाँ देखिए इसको जोड़ देते हैं, नहीं नहीं 8 हो जाएगा, 5 3 8, इसी को देखिए पहले चेंज करते हैं, यहाँ पर आपको हो जाएगा R3 चेंज टू, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर R3 चेंज टू कर देते हैं 1/5 R3 तथा इसको भी दोस्तों आप चेंज कर लीजिए एक बार, यहाँ पर 1 बनाना होगा तो 1 बना देते हैं इसका हम। देखिए यहाँ पे 1 कैसे बनता है, R2 चेंज टू 1/5 R2, ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाता है, देखिए यहाँ से दोस्तों तो हम अगला स्टेप राइट करते हैं, देखिए यहाँ से तो दोस्तों अभी R1 को आपको छेड़ना नहीं है, 2 माइनस 3 और 3, ठीक है, यहाँ भाग दे देंगे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पर 0, यहाँ भाग दे देंगे यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ पर 1, दोस्तों आपको क्लियर होगा इतना, क्लियर है। देखिए यहाँ पर आगे चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पर दोस्तों हमने 5 से भाग दिया है तो -1/5 क्लियर, फिर यहाँ भी 5 से भाग दिया 1/5, यहाँ पर 0, फिर यहाँ दोस्तों 0, यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, और यहाँ भी दोस्तों 1/5, बगल में A है तो दोस्तों A। अगला स्टेप दोस्तों हम राइट करते हैं, देखिए क्या राइट कर देते हैं, देखिए अगला स्टेप आपको, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना रहता है,
यहाँ पर दोस्तों आपको वन रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, जीरो। तो अब देखिए इसको हम कहीं इसी में से घटा देते हैं तो आपको कट जाएगा आसानी से, या फिर और कुछ कर लेते हैं इसको, इसमें से गुणा करके घटा देंगे तब भी आपको आंसर दोस्तों आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यही इसमें से कर देते हैं, देखिए यही प्रक्रिया दोस्तों, इसमें देखिए हम दो से गुणा करके या तो इसी दोनों को घटा दीजिए, भी वन बन जाएगा तुरंत फटाक से। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे -2 -3 है और 1 है, तो इसको हम क्या चेंज कर देते हैं, देखिए चेंज कर देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चेंज हम करते हैं R1, ये दोनों को देखिए ऐड कर देते हैं, जब ऐड कर देंगे तो वहां पर कितना जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए क्या बन किया जाता है, इस दोनों को ऐड कर देते हैं, R1 change to R1 plus R2। अब देखिए इसको जो चेंज करने पर हमारा कितना बन किया जाता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा दोस्तों आपके लिए, देखिए क्या बन किया जाता है यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से बन जाए, दोनों को चेंज कर देंगे, दोनों जोड़ देंगे यहाँ पर 1, दोनों को माइनस कर देंगे तो जाएगा -2, यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ पर 0 1 0। दोस्तों आगे क्लियर करते 1 0 1, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और इधर देखिए हमारा क्या बन किया जाता है, ये दोनों को हमको ऐड करना है ना, जब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ से 4/5, फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 0, फिर यहाँ पर -1 a 1/5, -1/5, फिर 1/5, यहाँ पे 0, फिर 0 1/5, यहाँ पे 1/5, दोस्तों क्लियर हो गया इतना into a। अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है दोस्तों, यहाँ से अगला स्टेप होता है ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं, देखिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं R3 change to R1 minus R3। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, R1 में से R3 को घटा देते हैं, देखिए कितना बन के हमारा आ जाता था, इसके बाद देखिए इधर हमारा जाएगा यही, तो 1 यहाँ पर राइट, 1 minus 2 यहाँ पर 2, और इधर तो आपको जो बना दोस्तों वही रहेगा, सिंपल सी बात है। देखिए कितना बन जाता है यहाँ से, नहीं रुक एक मिनट, यहाँ से देखिए अभी पहले हम इसको ना चेंज करिए, एक मिनट पहले इसको देखिए चेंज कर लेते हैं, देखिए हम पहले R1 को एक बार और चेंज करते हैं, देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, देखिए R1 change to R1 plus 2R1 2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा, अब देखिए क्या बन जाता है यहाँ से, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से क्या बन गया आपको, है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से देखिए कितना बन जाता है, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसको ऐड कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके 0, फिर यहाँ पर कितना होगा 2, फिर यहाँ पे 0 1 0, फिर यहाँ पे 1 0 1, दोस्तों क्लियर आपको हो गया होगा इतना, इज इक्वल टू, इधर आपको दोस्तों हम क्या करते हैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना होगा, दोस्तों इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5, ठीक है दोस्तों क्लियर इतना हो गया होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से फिर इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, तो इतना क्लियर होगा दोस्त। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है तो -1/5, फिर यहाँ पर दोस्तों 0, नहीं यहाँ पर आपको वही रहेगा -1/5, फिर 1/5, यहाँ पर 0 जाएगा, फिर 0, फिर यहाँ 1/5 1/5 बगल में दोस्तों a। अब चलिए दोस्तों इसको इसमें से हम माइनस कर देते हैं, आपका लास्ट स्टेप जो होगा दोस्तों, देखिए लास्ट में हम क्या चेंज करते हैं, देखिए R1 minus R3, ध्यान दीजिएगा, देखिए वहां पे ऊपर जो आपको राइट किया गया वही रहेगा, यहाँ पर देखिए हम क्या चेंज करके कर देते, देखिए 1 0 2, फिर यहाँ पे 0 1 0, फिर यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो जाएगा यहाँ पर 0, फिर 0 यहाँ पर दोस्तों 1 होगा, ठीक है। अब देखिए इधर जो आपको राइट किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 2/5, यहाँ पर 2/5, और यहाँ पे -1/5, ठीक है क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको -1/5 तो रहेगा ही, फिर वहां पर आपको 1/5, यहाँ पर 0, ठीक है क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 को चेंज करना, R1 में से R3 घटाना, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो 2/5, फिर वहां से ऊपर वाले में से घटा देंगे तो 1/5 दोस्तों, फिर इसमें से इसको घटाना है तो आपको जाएगा -2/5, ठीक दोस्तों क्लियर होगा इतना। अब देखिए दोस्तों इसको इरेज कर देते हैं, देखिए कितना बन गया था दोस्तों, आंसर की तरफ देखिए बढ़ते हम, ध्यान दीजिएगा एक लास्ट स्टेप आपका होगा दोस्तों, देखिए इसके बाद आपको आंसर है, बस एक स्टेप और चलते हैं, बस एक मिनट में आपको आंसर आ जाएगा, देखिए एक बार और चेंज कर देते हैं, जहाँ 2 वहाँ पे 0 करना होगा, तो एक स्टेप लास्ट दोस्तों हमारा चेंज होगा, जो दिया आपको जाएगा
आर वन चेंज टू आर वन प्लस आर वन माइनस टू आर थ्री। देखिए दोस्तों हम यही चेंज कर देते हैं, क्या बन जाता है, देखिए यहाँ पर आपको बन जाएगा, इसको चेंज करना है, यहाँ पर वन होगा जीरो होगा, इसमें से घटा देंगे दोस्तों यहाँ पर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ जीरो वन जीरो, फिर यहाँ जीरो जीरो वन। ठीक है दोस्तों क्लियर। अब देखिए इसके बाद हम इधर क्या राइट करते हैं, इसमें दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा दो दूनी चार, तो जाएगा घटा देंगे माइनस दो बटे पांच, फिर यहाँ पर हो जाएगा दो बटे पांच, यहाँ पर जीरो, फिर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कितना आपका दो दूनी चार, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको घटा देंगे एक तो हो जाएगा तीन बटे पांच। दोस्तों ध्यान दीजिएगा तीन बटे पांच हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस एक बटे पांच, फिर एक बटे पांच, यहाँ पर जीरो, फिर यहाँ पे दो बटे पांच, फिर यहाँ दोस्तों एक बटे पांच, यहाँ पे माइनस दो बटे पांच इंटू ए। ए इनवर्स आपको फाइंड करना दोस्तों, इसको इधर कर देंगे, ए इनवर्स बराबर आपको बन के जाएगा माइनस टू अपॉन फाइव, फिर माइनस वन अपॉन फाइव, फिर टू अपॉन फाइव। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पर जीरो, यहाँ पे वन अपॉन फाइव, यहाँ पे वन अपॉन फाइव, यहाँ थ्री अपॉन फाइव, जीरो और दोस्तों माइनस टू अपॉन फाइव। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको दिखिए राइट आंसर है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आपको ये आंसर मिला, एक बार आप आंसर मैच कर लीजिएगा, देखिए दोस्तों आपका आंसर मैच करता है कि नहीं दोस्तों।